मित्रों, आज हम बात करेंगे ध्यान के बारे में। ध्यान में भी विशेषकर हमारे शरीर के, ऐसा मानते हैं हमारा शरीर 5 कोशों से बना है, जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय कोश मतलब हमारा जो शरीर स्थूल शरीर दिखाई देता है वो अन्न से बना हुआ है। इस शरीर के बिना हम नहीं चल सकते, ये शरीर तो चाहिए ही चाहिए। सिर्फ दिखने वाला शरीर शरीर ही नहीं है, प्राणमय कोश। आपके शरीर में जो श्वास है शरीर के रोम रोम में है, जहाँ पर भी ये प्राण नहीं हो वो अंग काम नहीं आता। तो हमारा शरीर प्राणमय शरीर भी है। प्राण का होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, मनमय कोश, मन एक पल से एक पल में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो हमारा मनोमय शरीर वो भी शांत हो। मनोमय शरीर के बाद विज्ञानमय शरीर, हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, ऐसा क्यों, कहाँ, कैसे, कब, इस तरह के प्रश्न का उत्तर। इन सब से दूर आनंदमय कोश। तो दर्शकों, उसके लिए हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। सीधे बैठ जाएं, जो भी आसन आपको अच्छा लगे, पद्मासन है, अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन या सुखासन, जैसे हम आलती पालती मारकर बैठते हैं, जो भी आसन में आप आराम से 8 से 10 मिनट बिना किसी हलचल के बैठ सकें, उस आसन में बैठेंगे। पद्मासन ध्यान के लिए बहुत जरूरी है, आपका कमर, पीठ और गर्दन सीधा रहे, तो उसे सीधा रखिएगा। सीना उभरा हुआ, पेट की मांसपेशियां बिल्कुल रिलैक्स, हाथों को इस प्रकार से जंघाओं के ऊपर रख दें और अपनी आंखें बंद कर लें। बाहर की चीजों से, बाहर के विचारों से मन को हटाकर सारा ध्यान अपने शरीर में। अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स छोड़ दें, पूरी तरह शिथिल छोड़ दें। सिर के चोटी वाले हिस्से से लेकर टेलबोन तक, टेलबोन से लेकर पैरों के पंजों तक अपने शरीर को पूरी तरह शिथिल छोड़ दें, अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स छोड़ दें। हमारा ध्यान हमारे प्राणों पर, प्राण वायु पर। प्राण का मतलब आपका श्वास, श्वास पर श्वासन, श्वास ले रहे हैं, प्राण वायु आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है, उसे देखना। पूरा शरीर अन्नमय से रिलैक्स हो गया, प्राणमय शरीर भी पूरी तरह से रिलैक्स हो गया। श्वास लेते हुए प्राणों को अपने शरीर के एक एक कण में, एक एक रोम रोम में, एक एक कोशिकाओं में फील करना। श्वास लेते हुए प्राण वायु आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। जब शिथिल हो जाए आपका अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, तो हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे मनोमय शरीर। मन इतना चंचल,
पल में इस लोक से उस लोक तक पहुंच जाए, साक्षी भाव इस पल का, दृष्टा भाव इस पल का, जस्ट विटनेस ऑफ दिस मोमेंट, आपका मनोमय शरीर भी पूरी तरह रिलैक्स हो रहा है, न तो अच्छा विचार आया बोल के रोकना, न बुरा विचार आया बोल के निकालना। मन में चलने वाले हलचल को देखें और पूरी तरह रिलैक्स शिथिल कर दें। आपका शरीर रिलैक्स हो गया, आपका प्राणमय शरीर रिलैक्स हो गया, मनोमय शरीर रिलैक्स हो गया। दिन जाते हैं विज्ञानमय शरीर में। अजीबों गरीब तरह के सवाल, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, इस तरह के सब प्रश्न का उत्तर जब आप खो जाएंगे अपने आप में, जब आप रिलैक्स हो जाएंगे शरीर से, प्राणों से और मन से, इस प्रकार के उत्तर आपको अंदर ही अंदर मिलने लग जाएंगे। तो खो जाइएगा विज्ञान में शरीर में। जब पूरी तरह शिथिल हो जाए अन्न में शरीर, प्राण में शरीर, मनो में शरीर और विज्ञान में शरीर, उसके बाद अनुभूति होती है आनंद की, मस्ती की, जिसकी हमें तलाश थी। शरीर का रोम रोम आनंद से झूम रहा है। धीरे धीरे इसी आनंद को अपने तन मन आत्मा में महसूस करते हुए आंखें खोलें। दर्शकों, आज हमने जाना ध्यान की एक विधि के बारे में। हम फिर मिलेंगे नए आसन, प्राणायाम और ध्यान की विधियों के साथ। तब तक के लिए